to the city streets, we began to feel the fire. एवरीवन वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे हैं ग्रिंडलवाल्ड फियर्स्ट और हमारा प्लान ऐसा कुछ है कि यहाँ से मतलब इंटरलाकन से हम ग्रिंडलवाल्ड बाय ट्रेन जाएंगे, फिर वहाँ से कुछ थोड़ा सा 2 या 3 मिनट्स वॉकिंग है और वहाँ पे एक्चुअली गंडोला जो राइड्स होती है वो भी होती हैं और हम हाइक भी कर सकते हैं। तो हमारा आज का प्लान है कि हाइकिंग हमें करना है बिकॉज थोड़ा न्यू और अलग एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज हमने माउंट तितलिस पे ऑलरेडी वो राइड कर ली है तो एज सच बहुत डिफरेंस तो नहीं होगा। व्यू का डेफिनेटली डिफरेंस होगा बट स्टिल हमने सोचा कि थोड़ा सा हाइकिंग करते हैं तो और मज़ा आएगा। सो दिस इज़ द न्यू प्लान। तो कल ना हमें यहाँ पे लोग ऐसे पैराग्लाइडिंग करते हुए दिखे तो गज्जू का बहुत मन था कि उनको पैराग्लाइडिंग करना है और स्विट्जरलैंड आके पैराग्लाइडिंग मतलब बहुत सुंदर व्यू। तो ये सेफ भी, हाँ और सेफ भी, करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ एकदम प्रॉपरली मेंटेन्ड है। लेकिन मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा हाइट से डर लगता है तो मैं नहीं कर रही हूँ, गज्जू ही करेंगे। तो पैराग्लाइडिंग का यहाँ पे हमें कॉस्ट पड़ा अप्रॉक्सीमेटली 18,000 समथिंग। फ्रैंक्स में कितना होता है? 190 फ्रैंक्स से, बट 17,700 समथिंग आया, बट वो कन्वर्जन रेट वगैरह लगेगा ना तो वही, हाँ 100-200 रुपये वही हो जाएंगे। तो गज्जू अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करेंगे कैसा रहा। तो ये अपना जो पैराग्लाइडिंग है वो करेंगे परसों मॉर्निंग का जो है वो स्लॉट बुक किया है और सिर्फ गज्जू ही जाएंगे उसके लिए, तो वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताते जाएंगे कैसा था, क्या था, एवरीथिंग। ये रहा हमारा होटल, मतलब स्टेशन के जस्ट सामने और एज सच कुछ डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है कि ट्रेन की आवाज़ आ रही है। अपनी इंडिया जैसी ट्रेन्स नहीं है यहाँ की कि हॉर्न बजाते हुए जा रही है, एकदम स्मूथ जाती है। और ये है होटल हमारा, तो ये है हमारा होटल डू लाख, रूम भी इसी साइड है। हाँ बेस्ट चीज़ तो ये है बिकॉज उस साइड जो है वो फेरी चलती है और फेरी अपना हॉर्न बजाते हुए जाती है वहाँ पे, और देखो ट्रेन आ रही है पता भी नहीं चल रहा, अभी आएगी वो रही ट्रेन पता भी नहीं चल रहा है। हाँ शायद यही है कि जो ट्रेन है वो कुछ ऐसी दिखती है। ये सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास भी है इसमें बट उसका कॉस्ट जो है वो 20-30,000 और ज्यादा जाता है, तो सेकंड क्लास बेस्ट है यार। देखो सीट्स भी खाली है, भरी हुई भी नहीं है और ऐसा ही मिला है हमें मोस्टली पर पास नॉट पर सीट। क्या पर पास 20,000? हाँ करेक्ट, 20-25,000। हम लोग आ गए हैं ग्रिंडल वर्ल्ड में और आप लोग व्यू देखो, वाव प्रिटी, बर्फ के पहाड़ है यहाँ पे, सो प्रिटी। ये देखो एकदम असली रेंडियर जैसा लग रहा है, सो प्रिटी, और भी ज्यादा सुंदर है। तो लोगों ने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है और इतना प्यारा व्यू है, वाव। बहुत सुंदर, देखो सीधी खड़ी चढ़ाई है बट इतने सुंदर सुंदर घर, होटल्स, ये बहुत सुंदर है यार। हाँ चॉकलेट, ये व्यू, वाह कितने अलग अलग प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, सो यूनिक। भाई साहब व्यू देखो ज़रा, बर्फ के पहाड़, नॉर्मल पहाड़, इतनी ग्रीनरी, सो ब्यूटीफुल। इतनी ऊपर भी गाड़ियां पता नहीं क्या कर रही है, बहुत ऊपर है हम लोग, सड़क अच्छी बनी हुई ना शायद इसीलिए गाड़ियां हैं यहाँ पे। नाइस, हमें जाना है फियर्स्ट,
इसको फर्स्ट नहीं फर्स्ट बोलते हैं इधर साइड। ये कुछ ज्यादा ही मजा नहीं आ रहा आपको? अरे अरे नीचे वो चले जाना ऐसे ही। ये देखो आप, पूरा जंगल है, जंगल में से जा रहे हैं। और आप ऐसे नॉर्मल तरीके से भी जा सकते हो गंडोला राइड से, बट वो मज़ा नहीं है जो अभी आ रहा है। मज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी गाय देखो वाओ। अब हुआ है असली ट्रैक स्टार्ट। ये देखो यहाँ से अभी एकदम डेंजरस आए थे रास्ते। ये व्यू है यहाँ का, वाह पहाड़ देख रहे हो कितना बड़ा है। वो ये गाय पता नहीं क्या मांग रही है। मला जाई दिया। मला खाई। ये देखो ऊपर आने के बाद हमें मिला ये सुंदर सी झील और ये वाटरफॉल। यहाँ पे ना हर थोड़ी देर में ये इलेक्ट्रिक फेंस है, ठीक है, तो इसको कैसे, प्लास्टिक ऑलरेडी है बंधी हुई, तो ऐसे खोल के फिर यहाँ से जाना होता है। ये जानवरों के लिए करते हैं ऐसा। अच्छा मतलब बहुत ज्यादा करंट नहीं है, थोड़ा सा करंट है। ये देखो वाटरफॉल। और है अब इसको कैसे करें? मैं तो जंप कर सकता हूं। नहीं नहीं लग जाएगी, ऊपर करो। हाँ बस रुको। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। रुको मैं करती हूँ। ऐसे मत करो, आ जाओ नीचे नीचे। हाँ आ जाओ। देखो वहां पे जो है वो बोट बोलते हैं उसको, मतलब वहां से हमें ये राइड मिल जाएगी। तो हमारा थोड़ा सा जो ट्रैक है, मतलब हमने कुछ 4 किलोमीटर का ट्रैक किया है, इतना सफिशिएंट है। अभी हम ये गंडोला राइड से जाएंगे ऊपर और फिर वहीं से नीचे आ जाएंगे डायरेक्ट। हाँ क्योंकि थोड़ी सी शाम होने लग जाएगी ना, हमें आते वक्त टाइम हो जाएगा। और यहाँ थोड़ा सा तो डेंजरस मिला था हमें रास्ते में, तो इसीलिए हम ये गंडोला राइड से ही आएंगे अब। और रास्ते में मतलब वापस जाते वक्त ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हाँ। क्योंकि कुछ जगह रोड नहीं है। हाँ। और गिट्टी पड़ी हुई है तो फिसल सकते हो आप। हाँ। मगर रात नहीं होगी क्योंकि रात यहाँ पे 9 बजे तक होती है। हाँ, बट शाम हो जाती पहाड़ों में ना, शाम लगने लग जाएगा। बादल है ना तो सूरज नहीं बैठेगा। हाँ। अभी ही कितना टाइम हो रहा है और एकदम शाम जैसा माहौल हो रहा है यहाँ पे, दिन का टाइम है अभी। सब लोग ये साइकिल वाली राइड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रॉट बाइक। व्यू देखो, वाव व्यू देखो आप लोग, इट्स ब्यूटीफुल। यस आई फाउंड माय वॉल। वाव। और यहाँ पे ये लोग ये साइकिल चला रहे हैं, शायद हम लोग भी करेंगे, नॉट श्योर, अभी देखते हैं टाइम कितना बचेगा, शायद करेंगे। ये इसकी क्वालिटी थोड़ी ऐसी है ना, वो वाली टिटलीस की बहुत अच्छी थी, क्वालिटी तो अच्छी होगी दीदी, छोटी है थोड़ी बस। हाँ छोटी है। सो ट्रैक करने के बाद में हम यहाँ पे बोट करके एक जगह है, 4 किलोमीटर का ट्रैक था। यहाँ से हमने ये जो हमारी गंडोला राइड है ये हमने ली है और हम ऊपर जा रहे हैं ग्रिंडलवॉल्ड फर्स्ट बोलते हैं वहां पे। इसके बाद भी ट्रैक होता है बट हमने सोचा थोड़े से थक भी गए हैं और भूख भी ज्यादा लग रही है तो क्यों ना शॉर्टकट लिया जाए, तो इसीलिए हम इसमें बैठ गए हैं।
और वापस आते वक्त भी हम यहीं पे रुकेंगे एंड वहां से फिर शायद हम वो साइकिल वाली एक्टिविटी करेंगे। तो हम लोग ऊपर आ चुके हैं और व्यू है कुछ ऐसा, बर्फी बर्फ, बहुत सारी बर्फ हो रही गच्चू, ठंडी है काफी यहाँ पे और मैं पहन के आई हूँ ये ड्रेस बट अच्छा है व्यू, एक माउंट देख लिया है तो हमें सो व्यू लग रहा है, बट अच्छा है। देख लो ये है क्लिफ वॉक, मतलब ऐसे वहां तक जा सकते बट क्यों, कोई फायदा नहीं है, बादल ही बादल है, पूरा कोहरा है, कुछ भी नहीं दिखेगा। वो टॉप पॉइंट है और वो, हाँ और वो वाला जो पॉइंट है ये टॉप पॉइंट है यहाँ का। एक रेस्टोरेंट था, हम यहाँ पे खाने के लिए आए हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। तो जा रहे हैं क्लिफ वॉक करने के लिए, इतनी ठंडी है यहाँ पे, मैं भी थोड़ा सा चल लूंगी। Oh God. बादल ही बादल है, ठंडी है, बस इतनी हिम्मत थी मेरे में देखो बर्फी बर्फ और यहाँ पे कोहरा ही कोहरा, और ये कोहरा ही कोहरा। अगर कल मौसम ऐसा रहा तो आप कैसे पैराग्लाइडिंग करोगे यार, मजा ही नहीं आएगा। मुझे आएगा, मुझे उससे लेना देना ही नहीं है कुछ। अरे मजा क्या दिखे, क्या अरे मजा नहीं आएगा। रुक गई, लियो रुक क्यों गई भाई, देखो फाउंटेन, ए फाउंटेन बोल रही हूँ, वाटरफॉल, पानी पिघल रहा है ना ऊपर से, वही पानी है ये। 2 minutes later. I'm going to my bike. बहुत ज्यादा मजा आया अभी हमने ये बाइक चलाई पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था बिकॉज एकदम ऐसा ढलान है और तेज स्पीड से जाती है, बट गज्जू ने बताया कैसे चलानी है और मजा आ गया, मजा आपको कैसा लगा? बहुत सही, मुझे बाइक चला के बड़ा मजा आ रहा है, मजा आया ना हाँ। और इतने सुंदर व्यू के साथ, यस अमेजिंग। तो हम लोग आ चुके हैं इंटरलाकन वापस और यहाँ पे हम आए हैं आइसक्रीम खाने के लिए। कल हमने ये शॉप देखी थी, इंटरलाकन वेस्ट में है ये, तो यहाँ की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा लोग भी खा रहे हैं तो हमने सोचा हम भी खा लेते हैं। और हाँ उसमें इतना मज़ा आया हमें, मतलब बहुत ही कम टाइम में हम ऊपर से नीचे आ गए थे, वो जो बाइक हमने ली थी बहुत सही चीज़ थी वो, पहले मैं डर रही थी बट उसके बाद में फिर समझ में आ गया कैसे चलाना है, तो बहुत फन थी वो, इतना मजा आया कि हम यहाँ भी उसे देख रहे हैं कि अगर यहाँ मिल जाती है तो इंटरलाकन वेस्ट से, इंटरलाकन ओएसटी हम उस बाइक से जाएंगे। वो जगह है सेम कल वाली जहाँ से हम खाएंगे आइसक्रीम, इतनी बड़ी लाइन है इसके लिए, ये भाई ऐसी चॉकलेट देखिए कभी पहाड़ जैसी। आपकी दिखाओ